हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी भाई दूज। बस मैं तैयार हो गई हूँ और अपने मायके जा रही हूँ। मैंने खाना बना लिया है और मेरी नन भी आने वाली है। पहले मैं उससे मिलूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने मायके। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या बनाया है। मैं किचन में आ गई हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये है मटर पनीर, मैंने मटर पनीर बनाई है। और ये है चटनी, ये है चटनी। और ये है आलू गोभी की सब्जी सूखी। और ये मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं, कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो बस चावल बाकी है, तो चावल जब ये लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब मैं गरम गरम चावल बना दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग गरम ही गरम चावल खाते हैं। लोग सोच रहे होंगे कि मटर पनीर के साथ कचौड़ी क्यों, पूड़ी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी नन ने फरमाइश की थी कि भाभी आज मुझे कचौड़ियाँ खानी है, तो मैंने इसीलिए आलू की कचौड़ियाँ बनाई हैं, उसको पसंद है तो मैंने वही बनाया है। और बाकी अगर ये लोग मटर पनीर के साथ पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी निकलने में 10-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि आटा मैंने सान के रख दिया है। और चावल तो आपको बता दिया है कि चावल बनना बाकी है, गरम गरम ही बनाऊंगी। इस वक्त मेरे यहाँ सब लोग मूवी में लगे हुए हैं, आई मूवी आ रही है, तो तेजस तो बाहर है, खड़े थे गेट पे, तो वो और उनके रेडी आई मूवी का मज़ा ले रहे हैं। बेटा नहीं करो। तो मेरी नंद आ गई है और ये है उसकी बेटी और ये मेरे देवर है, ये भी आगे है। बस इन्हीं लोग का इंतजार था। अजूनी हेलो करो, अजूनी हेलो कर दो इसमें। अजूनी हाय कर दीजिए बेटा। तो मेरे यहाँ इस तरह से पूजा होती है, तो पूजा हो चुकी है और मैंने अपने भाई को पगड़ी रख दी, क्योंकि मेरे भाई सोने जा रहे थे तो बहुत जल्दी हो रही थी। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे जो है पिजन हैं, ये देखिए, ये हमारे खुद के घर के हैं, खुद के घर के हैं बहुत सारे। हाय फ्रेंड्स, कल मैं अपना भाई दूज वाला ब्लॉग बिल्कुल नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि मैं बहुत खुशी गई थी मुझे वहाँ पर। और वहाँ पर मेरे जो है, जैसे ही वहाँ पर थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है, मुझे अस्थमा का अटैक आ गया था, जिसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गई, वहाँ पर मुझे इंजेक्शन लगा और दवा ली, इसकी वजह से मैं घर आई, मैं बिल्कुल बोलने काबिल नहीं थी। इस समय तो मेरी बहुत ज़्यादा पहले से बेटर हूँ मैं, और बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ही छोटे से, यानी बचपन से है। और जब मुझे अटैक पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि बोल वोल नहीं पाती हूँ, कि होठ उठ नीले पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो जाती है। जब ये दो मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी वाला होता है, और जो पटाखे का पोल्यूशन है उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से। और जैसे डस्टिंग है, ये सब चीज़ें मैं बहुत कम करती हूँ, तो दीपावली में बहुत ज़्यादा काम हो गया था डस्टिंग वस्टिंग का, तो मुझे मालूम था कि मैं बीमार ज़रूर पड़ जाऊँगी। मैं आपसे कह रही थी कि मैं बीमार ज़रूर पड़ूँगी, तो मैं डस्टिंग बहुत कम ही करती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो आज मैंने बहुत ही सादा खाना बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो ये है मूली का साग और ये है चटनी, जो मैंने हरी धनिया और मिर्चे की चटनी और लहसुन की, और ये है रोटी। तो मैं खा तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।